जूही चावला की खिड़की। हाँ, मैंने ही उसका नाम जूही चावला रखा था। असली नाम क्या है मुझे आज भी नहीं मालूम। मेरी सोसाइटी की सामने वाले फ्लैट में वो रहती थी अपने पति के साथ, या बोलूं तो ऐसा लगता था कोई जोरू का गुलाम हो। किचन की खिड़की कांच की है, इसलिए आर पार एक दूसरे को देख पाना आसान था। कभी मैं चाय बनाने आती तो देखती चूही का मियाँ जी चाय बना रहा होता अपनी चूहिया के लिए। यहां तो एक कप भी चाय नसीब नहीं होती पति के हाथ से। बोल देते हैं, मेरे हाथ की चाय से तो तुम चाय पीना ही छोड़ दोगी। ये भी कोई बात है? चूहिया का पति तो रोज बनाता है सुबह की चाय। एक दिन उस किचन वाली बालकनी में वो कुछ कपड़े सुखाने बाहर निकली, तब देखा ध्यान से उसको मैंने पहली बार। अपने कपड़े सुखा रही थी मैं भी। देखने में सुंदर तो है, नैन नक्श दिखे, आंखों में काजल, लंबी थी, बाल हल्के घुंघराले, हल्के बिखरे, एक्ट्रेस तब्बू की तरह मुझे थोड़ी बहुत लगी। थोड़ी बहुत सिर्फ झलक, इतनी भी सुंदर नहीं है वो जो मैं और तारीफ करूं। दीदी, सामने वाले का पति अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है ना, देखो जल्दी अपनी खिड़की से, कपड़े आज भैया सुखा रहे हैं। हाय रमा, मेरी बड़ भोली काम वाली बोली, इसमें बड़ी बात क्या है? मैंने मुंह बनाकर बोला, मैं अगर इनको बोलूंगी ना तो ये भी सुखा देंगे। हाँ, मैं बोलती नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता सुबह से शाम तक कोई ऑफिस का काम करे और फिर उन्हें बोले कि जाओ तुम ये भी कर दो। रमा हंसती हुई पोछे की बाल्टी उठाए चल पड़ी। आज का दिन कितना अच्छा है, आज कपड़ों की बाल्टी मैंने इन्हें थमा दी, बिना कुछ बोले आज ये भी कपड़े सुखाने बालकनी में गए। देखा चूही चावला, सिर्फ तेरा पति ही काम नहीं करता, मेरा भी करता है। और करेगा क्यों नहीं, कल रात को घर पर हमारी महाभारत जो छिड़ी थी। दाल को तड़का लगाने मैं चली, मेरी नजर गई फिर से चूहिया की किचन की तरफ। खाना बना रही थी आज वो, हेडफोन सिर पर लगाकर नाच रही थी। बच्चों जैसी हरकत, पता नहीं पति ने सर पर क्यों चढ़ाया हुआ है इसे, ऐसा है क्या इसमें? बोलता क्यों नहीं, कम से कम काम के वक्त, खाना बनाने के वक्त ध्यान तो वहां लगाए। उछल कूद बच्चों की तरह क्या लगाई हुई है इसने। फिर ऐसे ही मर्द बोलते हैं, हमारी बीवी हमारी सुनती नहीं। अरे रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं तो कैसे सुनेगा कोई तुम्हारी। आज बजे तो 6 हैं शाम के, पर बादल काले काले घिरे हुए हैं आसमान में, बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी तो मुझे याद आया कपड़े किचन की बालकनी में कुछ खुले सूखे पड़े हैं, जरा उनको अंदर ले आऊं। दरवाजा खोलने को थी जब मैंने कदम वापस बढ़ा लिए। अंधेरे में मैं सबको देख सकती हूँ और कोई मुझे नहीं देख सकता, इससे अच्छा क्या होगा भला। दोनों बालकनी में चाय का कप लिए साथ चिपक कर खड़े थे, चुस्कियां ले रहे थे चाय की। चूहिया ना जाने किस बात पर हंसी कि मियाँ जी ने चूहिया को माथे पर चूमा। बस अब यही देखना बाकी रह गया था, बच्चे वगैरह भी रहते हैं इस सोसाइटी में, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, पूरे जहां का प्यार बस इन्हीं को मिला है, इतना दिखावा। उफ, पति का ट्रांसफर हुआ तो हम बैंगलोर 3 साल के लिए शिफ्ट हो गए। आज जाकर वापस दिल्ली आना हुआ, कितनी खुशी मिलती है ना अपने घर में वापस आकर। मेहनत क्या होती है हमसे पूछो। खैर वापस तो आए,
रमा को फिर से मैंने लगा लिया काम पर, या बोलो रमा हमारा घर छोड़कर पछताई होगी। इतने अच्छे भैया दीदी कहीं मिलेंगी उसे? कभी नहीं। आज रमा से बात हुई। मैं चूहिया की खिड़की की तरफ देख रही थी। अंधेरा था, 10 दिन हो गए। रमा, ये चूही चावला और उसका पति कहाँ गायब हैं? दिख नहीं रहे लैला और मजनू। अरे दीदी, आपको नहीं मालूम, फ्लैट नंबर 407 की दीदी की 1 साल पहले डेथ हो गई। कोई बहुत पुरानी बीमारी थी शायद उन्हें। भैया ने घर बेच दिया। अब देखो कौन आता है वहां। आज पहली बार मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कितने साल उस खिड़की को मैं देखती रही, वहां झांकती रही। मेरी सोच उस खिड़की तक ही अटकी रही। खिड़की के अंदर जो बाकी के कमरे हैं, वहां क्या छुपा था मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। आज मालूम चला किस तरह हम अपनी जिंदगी को, अपनी चीजों को औरों से बेहतर समझते हैं, जज करते हैं। ये नहीं समझ पाते कि कितने दर्द ऐसी कितनी सारी खिड़कियों के पीछे बंद रहते हैं। हमें जागना होगा, अपना मन, दिल का दरवाजा खोलना होगा।